फूल से फलाद बन चुकी हैं बेटियाँ, घर में नन्ही परी हैं और सरहदों पर पहरेदार हैं बेटी। अरे फिर भी कमतर हैं बेटियाँ? नहीं नहीं, वे तो सृष्टि की रचिता हैं बेटियाँ, उनके बिना तो इस समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक बार उनको सुअवसर देकर तो देखिए, आपके सपनों को पंख लगा देंगी बेटियाँ, क्योंकि वो आकाश में उड़ना जानती हैं बेटियाँ। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पे आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी सोसाइटी में आज भी लड़कों की चाहत है, आज भी ये सोचा जाता है कि परिवार में एक लड़का होना बहुत जरूरी है। आपकी लड़कियां चाहे पायलट बन गई हैं, इंजीनियर बन गई हैं, डॉक्टर बन गई हैं, पर फिर भी लड़के की चाहत जो है वो है ही। सबसे शॉकिंग ये है कि परिवार में जो लड़के की चाहत रख रही है वो खुद एक फीमेल है। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे पे मैं पूजा सिंह आप सबको गर्ल्स के लिए सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अभी भी लड़कियों को शिक्षित होने की बहुत जरूरत है। आज के इस समय में अगर हम देखें, शहरों में गांव में बहुत सी लड़कियां हैं जो शिक्षित नहीं हो पा रही है। उन्हें हमें आगे लेके जाने के लिए सबसे पहले यही कदम उठाना है कि उन्हें शिक्षित कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उन्हें पढ़ाने की कोशिश कीजिए। हमने एक नारा तो लगा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर क्या इस पे अमल किया जा रहा है? नहीं। इसलिए हम सब संस्थाओं को मिलजुल कर अपने आसपास ये देखना चाहिए कि कौन सी लड़कियां स्कूल में नहीं जा रही। आजकल तो सरकारी संस्थाओं ने भी इतनी ज़्यादा सुविधा दे दी है कि कोई फीस नहीं मांगते, उनको किताबें मिलती हैं और भी जो सुविधाएं उनको स्कूल की ओर से दी जाती हैं। हमारी जो बेटी है वो ही हमारे देश का कल है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिपि गरीयसी, यानी कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। So, यदि आप अपनी माँ की कदर करते हैं, अपनी पैदा करने वाली जननी की कदर करते हैं, तो आपको गर्ल इक्वालिटी, वुमेन इक्वालिटी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रहे किसी भी जुर्म का हिस्सा बनते हैं या उनको देखकर चुप करके रह जाते हैं, तो आप अपनी माँ की और नेचर की फेमिनिन पावर्स के साथ धोखा कर रहे हैं। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ सोसाइटी को। हम सेलिब्रेशन तो करते हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन फिर भी हम सबको आगे बढ़कर लड़कियों को प्रमोट करना चाहिए, उनके एजुकेशन का ध्यान रखना चाहिए, उनकी हेल्थ, उनके लाइफस्टाइल का ध्यान रखना चाहिए, उनको इक्वालिटी देनी चाहिए, वो भी लड़कों से कम नहीं। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि बेटी किसी से भी कम नहीं, वह कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। यदि वह है तो कल है।